नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम सिरोही गोट फार्म पे। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छी चीज़, और जो आप घरेलू उपयोग कर सकते हैं वो चीज़ मैं आप दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सकूँ। तो दोस्तों देखिए, अभी जो बकरी है वो बच्चे देने वाली है, और ये अपने घर पे पाली हुई और अपने खुद की घर की जो ब्रीड है बकरी की, वो ब्रीड है बहुत ही अच्छी, जो ब्रीड है वो दिखाने वाला हूँ। तो ये है 1 लीटर जो तेल है, अब थोड़ा सा बचा है इसमें, वीडियो बनाने में मैं लेट हो गया। ये है प्योर 350 रुपये लीटर वाला इसमें तेल, तिल्ली का जो तेल है वो। तो अभी अपनी जो है बकरी ब्याने वाली है वो इसी महीने बच्चे देगी, फर्स्ट बार जो है वो बच्चे देने वाली है। तो उसको 1 महीने पहले जो खुराक दी जाती है उसे 1 लीटर तेल देना चाहिए, उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। उसको 1 लीटर सरसों का या फिर तिल्ली का जो शुद्ध तेल होता है घाणी का, वो तेल है ये तेल। अपन उसको कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा करके जो के दलिए में अपन दे सकते हैं कंटिन्यू रोज़ाना शाम को। तो ये मेरे पास में है जो का जो दलिया है पिसा हुआ वो है, और इसको रोज़ाना थोड़ा थोड़ा 100 ग्राम जो तेल है स्टार्टिंग में थोड़ा रखना है, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसमें ये 1 लीटर या 1.5 लीटर तेल अपन जब ब्याने से 15 दिन पहले दिया जाता है। तो ये 15 दिन में अपनी बकरी ब्या भी जाएगी, अभी बकरी भी मैं बताने वाला हूँ। तो ये अपना हो गया, उसको जो है दलिया जो का पिसा हुआ दलिया, ये मतलब अपन को भिगो के रखना है, जो इसे बंटा भी बोलते हैं। तो ये बंटा अपन को रखना है, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा देना है। अगर आपकी बकरी ब्याने वाली है तो उसे स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना और फिर देना है, और फिर ये तेल जो है लास्ट महीने में, जब 5 महीने बकरी ब्याने की लेती है तो उस लास्ट महीने के या 15 दिन के अंदर अपन को 1.5 लीटर ये 1 लीटर तेल देना जरूरी है, ताकि बच्चा पेट में आसानी से घूम सके। तो अपन जो है ये मात्रा देखेंगे, अभी मेरे पास 2 बकरी है ब्याने वाली, दोनों को मैं दिखाऊंगा आप लोगों को और अच्छे से। तो ये नाप का जो है आपको नाप लेना है, मुझे तो एक अंदाज़ा है कि कितना डालना चाहिए, लेकिन आप लोगों को एक काफ ये एक जो है नाप के आधार पे डेली डालना है। तो इसमें मैं डालूंगा, अंदाज मेरा काम करता है इसीलिए मैं डाल रहा हूँ, ऐसी गलती आप ना करें। तो ये है तेल जो अपन अंदाज से इसमें डालेंगे, ये मेरा अंदाज है कि ये 100 ग्राम तेल इसको डल गया है। ये अपन करेंगे बंद, उसको मैं अभी तेल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी उसका ब्याने का जो टाइम है वो थोड़ा है अपने पास अभी, तो इसको मैं रख देता हूँ इधर। ये वाली है अभी ब्याने वाली नहीं है, फिर भी उसको खिला रहे, और दूध की मात्रा भी बढ़ेगी, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। तो ये अपन ने रख दिया है, ये इधर वाली है, अब बच्ची अपन को दूसरी वाली। तो इसमें अपन ने तेल डाला है, 15 दिन के अंदर ये बकरी है वो ब्या जाएगी। तो इसको अपन हिलाएंगे, तेल पूरा ध्यान रखना, एक ही जगह नहीं होना चाहिए, पूरा हिला के रख देना चाहिए ताकि सारा मिक्स हो जाए। तो अपन इसको करेंगे मिक्स, ये हो गया इसका बंटा। 1 महीने के अंदर 1.5 या 2 लीटर तेल अपन दे सकते हैं, पूरा ध्यान रखें, पूरा मिलाएं, नहीं तो बकरी को ज़्यादा क्वांटिटी दे तो दस्त भी हो सकती है। दस्त अगर होने लग जाए तो तेल थोड़ा कम करें और कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ा के तेल दें, 100 ग्राम से ज़्यादा अपन को तेल देना नहीं है। ध्यान रहे बकरी को है जो स्टार्टिंग में दलिया थोड़ा देना है, क्योंकि मेरे को तो शुरू से ही मैं दे रहा हूँ, तो बकरी को मैं जितना खाती है उतना दबा के दे रहा हूँ स्टार्टिंग से। इसमें दूध की मात्रा भी तेज़ होगी, ये अपन ने मिला दिया है। देखिए बकरी को मैं आवाज़ दूंगा और बकरी चली आएगी, ये भी एक बकरी के प्रति जो प्रेम है वो है। ये अभी थोड़ा वो आने लगे, इसको अलग से ढंग से देंगे, ये देखो अपने आप जो है चली आएगी, ये अपने स्थान पे जाएगी। ये जो भी प्रेग्नेंट भैन है इसको अपन अंदर की तरफ जाने देंगे, बल्कि दूसरी वाली जो बकरी है, चलो ये इधर
तेल का अपन ने दे दिया, वो उधर उसका खाएगी। ये अपने हिस्से का जो है वो खा लीजिए दोस्तों। ये फर्स्ट बार जो बच्चा देगी वो अपने पास बकरी है दोस्तों, और देख रहे हो इसके थन। और उम्र की बात करें तो ये 1.5 साल की हो चुकी है, हाइट थोड़ी इसकी कम है, पर अपनी होम ब्रीड है दोस्तों, तो इसको खाने देंगे अपन इधर। और ये बंद कर दिया अपन ने, ये बंद। तो ये देख रहे हो तेल की वजह से जो है ये थोड़ा खाने दीजिए, और अभी पूरा जो सिस्टमेटिक ढंग से पूरा ये जो खाएगी। ये जो मेरे पास रेड वाली है दोस्तों, अपनी घर की जो ब्रीड है वो है, तो अपन बात करेंगे इसकी। ये बहुत ही चालाक बकरी है दोस्तों, ये अपनी जो हैवी बकरी है वो है। बात करें इसकी दूध की, तो 2 से 2.5 लीटर जो दूध है वो है दोस्तों। ये देखो, ये पूरा जो पूरा का पूरा जो है ये चट कर जाएगी। इसको ज़रा हिला के देंगे। ये लचकदार और 1.5-2 लीटर दूध वाली जो बकरियां वो है दोस्तों, बहुत ही अच्छी और प्यारी जो बकरियां हैं वो है हमारे फार्म हाउस पे। तो आपके पास ब्रीडर है तो ब्रीडर को भी ऐसे आप जो है चटा सकते हो, बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रीडर है। ये आ रहा है बहुत ही अच्छा जो ब्रीडर है दो दांत में, ये भी अपने पास जो है अवेलेबल अभी दो दांत में जो है, बहुत ही अच्छा जो ब्रीडर है। और बकरे को भी आप चटा सकते हो, देख रहे हो कैसे मतलब बहुत ही चाव से जो ये दलिया है, जो साफ्ताना दे के आप इनको ऐसी चमक के लिए ऐसे दे सकते हैं आप। और बकरी की अपन बात करें तो ये अभी 15 दिन के अंदर अंदर जो है बच्ची देने वाली है, और इसकी पूरी आपको डिटेल बताएंगे, क्योंकि फर्स्ट बार तो प्योर बिल्कुल एक भी धब्बा इसके कान पर नहीं है दोस्तों। दिखा दूँ आप लोगों के लिए कि एक भी धब्बा, और फर्स्ट बार जो बच्चा देगी एक भी धब्बा नहीं है, वाइट में प्योर जिसे सिरोही मानते हैं वो बकरी है। लचक इसकी अपन दिखाएंगे, बहुत ही अच्छी जो लचक है वो है दोस्तों। ये देख लीजिए, बहुत ही प्यारी जो बकरी है वो है दोस्तों, घर की पाली हुई लचक जो होनी चाहिए वो है। बात करें अपन ऐसे ब्रीडर की, तो ब्रीडर आप लोगों को मैं बता दूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे जो ब्रीडर है वो है, बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके के जो मेरे पास जो ब्रीडर है वो है। ब्रीडर को भी आप तेल दे सकते हो, ऐसे जो अच्छे अच्छे ब्रीडर रख रहे हो आप उनको भी आप दे सकते हो। तो बकरी को तेल की जो है मैंने ये बताई दी है कि अच्छे से आप तेल दे सकते हो। हमारे दी हुई जानकारी आप लोगों को बहुत बेहतरीन जो है पसंद आई होगी, और ये 1 महीने के अंदर बच्चा देगी, बच्चा भी अपन आप लोगों को दिखाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और खूबसूरत जो बकरी है वो है दोस्तों, अब ये लड़ने झगड़ने लग गए हैं। ये देखो, दोनों खा चुके हैं अपने अपने हिस्से का, और अभी भी बहुत ही बेहतरीन देख रहे हो साइनिंग, देख रहे हो दोस्तों बहुत ही और बेहतरीन अच्छी तरीके से जो साइनिंग है वो है बकरे में। और बात करें अपन इस ब्रीडर की, तो ब्रीडर भी 4 सेल के लिए हैं, अपने घर के पले हुए जो बच्चे हैं वो है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से जो है बेहतरीन तरीके के और लाजवाब जो ब्रीडर है वो है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जो है हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।